हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उदय करियर एकेडमी में। दोस्तों, 24 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने, और जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है आज के समाचार पत्रों से, हाल ही में राष्ट्रीय लेवल पर ई लर्निंग को बढ़ावा देने के मद्देनज़र किसकी शुरुआत की गई है? विद्यादन 2.0 की शुरुआत की गई है। किस अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से गैर जमानती अपराध घोषित किया? अगर स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी प्रकार हिंसक कार्रवाई होगी तो, स्वास्थ्य कर्मियों पर आप हिंसक कार्रवाई करते हैं तो गैर जमानती अपराध घोषित होगा महामारी आपदा अधिनियम 1897 के तहत। किस राज्य में तिरंगा नामक कोविड-19 जांच हेतु वाहन लॉन्च किया गया है? केरल में ये वाहन लॉन्च किया गया है पत्तनमतीपट्टा जिला प्रशासन की तरफ से। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा FDI निवेश किया है? फेसबुक ने किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ जिनेवा का प्रेसिडेंट बनाया गया? राकेश शर्मा को बनाया गया है। भारत में हुआई का CEO किसे नियुक्त किया गया है? डेविल ली को नियुक्त किया गया है। भारत में नेपाल कितने टन के दवाइयां उपहार स्वरूप दे रहा है? 23 टन दवाइयां भारत में नेपाल उपहार स्वरूप दे रहा है। किस देश की संसद ने मांग की है कि खेती को चिकित्सा एवं उद्योग हेतु वैध करार दिया जाए? तो लेबनान ने ये मांग की है। नूर उपग्रह जो कि एक सैन्य उपग्रह है किस देश ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ईरान ने इस ग्रह को प्रक्षेपित किया है। किस राज्य ने अपने सभी 24 जिलों में पब्लिक प्लेस पर थूकने, पान, गुटखा, पीड़ी, सिगरेट आदि पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो ये झारखंड ने लगाया प्रतिबंध। UN की विश्व खाद्य कार्यक्रम में हालिया रिपोर्ट पर गंभीर खाद्य असुरक्षा कितने गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 2 गुना बढ़ जाएगी असुरक्षा। हाल ही में किसे बैडमिंटन जागरूकता अभियान का दूत बनाया गया है? PV सिंधु को बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार अमेरिका की किस प्रतियोगिता को रद्द किया गया? स्पेलिंग बी प्रतियोगिता बहुत ही फेमस प्रतियोगिता है, इसको सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया, अभी तक कभी रद्द नहीं हुई है। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया, यानी कि कल अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। इसको शेक्सपियर का जन्म भी हुआ था इसी दिन। किस प्रसिद्ध रंगकर्मी की 75 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऊषा गांगुली का निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस करंट अफेयर्स की। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।